जैसे कि आप जानते हैं सलमान सबके फेवरेट है, भाईजान है, सबके लाडले है, प्यार है, और वो रेस 3 में काम कर रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने पिछले एक फिल्म में भी बहुत अच्छा काम किया था, और सलमान एक से एक हिट फिल्म देते जा रहे हैं। सो आप प्लीज़ सब उनके तो फैंस से बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने चाहिएगा, बहुत अच्छा काम किया है सलमान ने। थैंक यू। सो यू सॉ द ट्रेलर राइट नाउ, व्हाट आर यू व्यूज अबाउट इट? It's Salman Khan movie, so I think it's typical Salman Khan movie, the action and everything and the big dialogues, and I don't know, I'm not big Salman Khan fan, so I don't like, and I like the first stress movie, which is most curious and like mystery movie, yeah. And I think Saif Ali Khan played very well role in that, but I don't like that movie. It's a typical masala movie that Salman always release on the Eid. And I'm not Salman Khan fan, so I don't think I will go and watch that movie. Okay. And about the heroines, did anyone? Typical heroines. One is from the Salman's favor, and the one is Jacqueline. She's always do that same role, and it's nothing interesting in that. And you know, the movies are coming like Avengers, Razi, and like this. And you're doing the typical movies, and on what's you're doing nothing new. And so, why should I go and watch? I'm waiting for the Incredible 2 animation movie, so I'm looking forward to that. And would you think this movie will make 500 crores on the box office? Of course, like it's obvious because people are so crazy about him, they go and watch it, but I think it's typical movie, so there's no thing. Look, trailer is good, action is great, look at the trailer, action is very good. लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म में सैफ अली खान का जो एक जमा हुआ है सबके नज़रों में जो है उनकी छवि है जो दो फिल्मों में रह चुकी है वो कहीं ना कहीं लोग मिस करेंगे। लेकिन फिल्म में क्या होता है ना कि भाई की बात जब आती है सलमान भाई तो हर चीज़ दरकिनार कर दिया जाता है हर चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा फिल्म में। ट्रेलर बढ़िया है, हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और लेकिन मैं चाहता हूँ सैफ अली खान होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे उसकी कमी थोड़ा सा लगी ट्रेलर में, और अगर सैफ अली खान होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ अगर देखने जाऊँगा मूवी तो मैं ये देखना चाहूँगा कि बॉबी देओल ने क्या किया है। बॉबी देओल का काफ़ी तारीफ़ मैंने सुना, और वो ट्रेलर में एक सीन है जो उन्होंने बॉडी वगैरह सिक्स पैक वगैरह बनाया, वो थोड़ा सा उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं बस। लेकिन अनिल कपूर का तड़का जो है झक्कास वाला स्टाइल वो बराबर है इस फिल्म में, मुझे वो अच्छा लगा जो उनका स्टाइल है, और सैफ को मिस करूँगा इस फिल्म में। और आप लोग सलमान खान फैन? हाँ है, बिल्कुल भाई के फैन तो हैं। तो डू यू थिंक इट विल मेक मोर देन 500 करोड़ और नए रिकॉर्ड? और 500 करोड़ तो मुश्किल है बट 200 जाएगा, आराम से जाएगा। हाँ, भाई के नाम से ही, भाई के नाम से 200 तो वैसे ही आ जाता है। एंड अबाउट द हीरोइंस? हीरोइन डेजी शाह तो मुझे बिल्कुल बकवास लगी, जैकलिन फर्नांडिस। हाँ, जैकलिन सही है भाई। ओके, तो आपको लगता है वो अच्छा एक्शन कर पाएगी? हाँ, जैकलिन फर्नांडिस की उम्मीद है, लीन बॉडी और बिल्कुल कर पाएगी वो। मुझे लगा एंड में जो सलमान खान मिसाइल्स लेके अटैक करता वो मस्त लगा। देखो, ट्रेलर तो मुझे भी अच्छा लगा है जितना मैंने देखा, एक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है, सलमान और काफ़ी सालों बाद मतलब बॉबी देओल भी रिटर्न कर रहे हैं, तो सकीब का बॉडी मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब सकीब सालेम का, वो सारी चीज़ें अच्छी है। बस यार एक चीज़ बुरी है मुझे वहाँ पे लगी कि वो डेजी शाह नहीं होना चाहिए था फिल्म में, और एंड ऑफ द डे मतलब सैफ अली खान होना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है, कि सैफ अली खान का जो चार्म है रेस के बारे में वो काफ़ी मतलब अलग है, क्योंकि उनको हमने दोनों फिल्मों में रेस 1-2 में मतलब पसंद किया था। ठीक है, फिर भी सलमान खान ने उनको रिप्लेस किया तो मतलब कुछ बात तो होगी, और वैसे भी उनमें क्या एक लास्ट में मैसेज दिया है ना, लास्ट में क्या मैसेज दिया है, वेन यू डोंट नीड एनिमीज वेन यू हैव अ फैमिली, तो यार कुछ तो सस्पेंस होगा अच्छा खासा, तो बस एगली वेटिंग फॉर मूवी। तो एक्शन तो करना नहीं है। ओके, so I like Jacqueline in the movie, okay, and हाँ I like Jacqueline in the movie, और जिस तरीके से Jacqueline को दिखाया है वो ऐसा लग रहा है कि सलमान को उसकी फैमिली मिली और उसने उसको धोखा दिया है। सैफ अली खान वाला पार्ट तो है ही जो हर जगह हम लोग मिस कर रहे हैं सैफ अली खान को, लेकिन भाई है तो आई गेस कि वो संभाल के ले जाएंगे, और इतना सारा एक्शन लाइक कि हाथ में मिसाइल पेटी है, मिसाइल पेटी होने के बाद उसको अलग ही क्या है, रेमोडिसन है जो गाड़ियाँ उड़ाई हैं, एक्शन अलग लेवल पर है, डायलॉग्स अलग लेवल पर है, और अगर देखा जाए तो सलमान का दिस स्टाइल मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल और देसी स्टाइल है, लेकिन ये अभी स्टाइल में कन्वर्ट होने वाला है, समझे ना आप। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी, देखने जाएंगे भले ही तीसरा चौथा शो मिले, बट जाएंगे।
Hi guys, I'm Shruti here. I watched the trailer just now. I did have seen it before. The Bobby coming is like a surprise to us. He did amazing body. I liked him since the Gupta picture movie. And even Salman Khan is the best. But I think so, we have the habit of seeing Saif in those race movies. So all two parts, there was a Saif in these two movies. So like, I'm waiting for the releasing now. Let's see. Hope for the best. And what was the best part of the trailer which you liked? I like the Salman, the way he was watching that four capsule ka gun. And the way he was walking, like height mein kam hoke bhi bada ekdam chha raha tha screen pe. Achha lag raha tha. And Jacqueline as a age hai, par lagta hai ekdam flexible, ekdam sexy lady. Do you think she can be the next action star in terms of like actresses? Yeah, obviously. Jacqueline hai. And क्या आप जाओगे movie first day first show like आप सलमान fan हो? सलमान fan तो है तो first day first movie हर एक जाती हूँ मैं सलमान की जाती हूँ मतलब by default जाती हूँ. Thank you so much. Thanks. तो आपने अभी race 3 का trailer देखा कैसा लगा? इसमें भरपूर actions हैं और जो सलमान खान ने dialogues मार रखे हैं the best लग रहा है मेरे को थोड़ा इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो आगे जाके 500 करोड़ से ऊपर का turnover करेगा ये. और सलमान खान के अलावा आपको कौन ट्रेलर में ऐसा लगा जो इम्पैक्ट छोड़ा आपके ऊपर? हाँ, जैसे अनिल कपूर है. अनिल कपूर का जो एक्शन है, लास्ट टाइम उसने एक्शन इतना नहीं किया था, अभी इसने जो एक्शन और उसका जो डायलॉग अपना डेवलपमेंट किया उसने, वो भी ज़्यादा बेटर लग रहा है इसमें. और कोई फेवरेट पार्ट पूरी ट्रेलर में जो आपको सबसे अच्छा लगा? जैसे सलमान खान का जो बाइक स्टंट है वो सबसे ज़्यादा बेटर लगा रहा था. और कोई डायलॉग जो आपको याद है? डायलॉग तो लास्ट में जो उसने फैमिली के लिए अपना बोला था वो सबसे ज़्यादा. तो आपको क्या लगता है, इट विल बी सुपर सक्सेसफुल? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जाएगा ऑफ कोर्स. थैंक यू. तो आपने अभी रेस 3 का ट्रेलर देखा, हाउ डिड यू फाइंड? अच्छा है. एक्चुअली क्या है, इंडियन ऑडियंस जो है उसको फैंटेसी बहुत पसंद है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब लार्जर देन लाइफ, वही हमारा इंडियन सिनेमा है. वही बन के आ रहा है और लोग देखेंगे ऑब्वियसली, चाहे वो बॉलीवुड का हो या फिर हॉलीवुड की फिल्म हो, लोगों को वही पसंद है कि कुछ लार्जर देन लाइफ देखने को मिले. अच्छा है, एक्शन है, उम्मीद करता हूँ, और मल्टी स्टार भी हैं इसमें, बहुत सारे लोग हैं, तो आई होप बहुत अच्छा जाएगा. मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, खास करके सलमान की स्टोरीज़ पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता, पर हाँ एक्शन पे है कि लोग देखने जाएंगे, बहुत फैन फॉलोइंग है. ट्रेलर अच्छा है, लेट्स सी स्टोरी कैसी होती है. होप फॉर द बेस्ट. और फैन है क्या? सॉरी, मैं सलमान फ़ैन नहीं हूँ, पर ट्रेलर देखने के बाद हाँ ऐसा लगा कि देखने जैसा कुछ है, बिकॉज बॉबी वापस आ रहे हैं. हालांकि वापस ही थे वो, आ रहे थे जा रहे थे. ऐसी उम्मीद है कि बॉबी की एक हिट फिल्म होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, सलमान इज़ ओके. जैसा अनिल कपूर, अगेन अनिल कपूर कितने भी पुराने होते जाए, उनका वो चार्म है, वो जो पर्सनालिटी, वो हमेशा अच्छी लगेगी लोगों को. तो आई होप ये फिल्म अच्छा करेगी. सलमान खान का फैन हूँ. सल्लू भाई की भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी अभी फिलहाल, उसके बाद तो पक्का बनती है फिल्म. और अभी सलमान खान का एक्शन मूवी है, बहुत मज़ा आएगा देखने में. उसमें अनिल कपूर साहब का लुक यार फाड़ू, और साथ में उनके बॉबी देओल सर का कमबैक है, और साथ में है साकिब सलीम, क्या एक्टर है यार. अब देखते हैं क्या होता है. बस मैं तो भाई पक्का मतलब ये कहता हूँ, हिट है पिक्चर. व्हाट अबाउट द हीरोइन? हीरोइंस भाई जैकलीन है, और दूसरी का मुझे पता नहीं, डेजी शायद. हाँ, जैकलीन बहुत अच्छी लग रही है उसमें, वो भी एक्शन कर रही है साथ में. अब डेजी का मैंने ढंग से देखा नहीं, एक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, बट फिल्म पक्का हिट है. और आपने रेस 1 रेस 2 देखी थी? हाँ, कॉस देखी थी. और मुझे रेस 1 ज़्यादा अच्छी लगी थी, रेस 2 में मुझे मज़ा नहीं आया ज़्यादा. अब सलमान भाई आए तो देखते हैं. अब कॉस सलमान है, हीरो है इंडस्ट्री का, पक्का हिट होगी. फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रेलर बताएं? अनिल कपूर का लुक जब वो निकलते हैं बाहर अपनी पूरी टीम के साथ, ऑसम लगा मुझे. और डिफरेंट स्टाइल है, वाइट बियर्ड, वाइट बाल एंड ब्लैक बाल, मतलब मज़ा आएगा देखने में. हेलो, मेरा नाम प्रवीण राणा है, और मैं सलमान सर का खास फैन हूँ. अभी जो मैं फ़िलहाल उनका जो रेस 3 का जो ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत फैंटास्टिक अच्छा लगा. वो मैं फिल्म पक्का जरूर दिखाऊंगा, और जो मेरे जो फ्रेंड लोग हैं और जो मेरे दोस्त है उनको मैं पक्का दिखाऊंगा. उसमें जो सलमान जी ने बहुत फैंटास्टिक काम किया है, जैसा उनका जो फाइट का लुक है, चलने का एक्शन है, और फैंटास्टिक काम किया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त. उनके लिए तो मेरे लिए भगवान से दुआ कि बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने. हाय सलमान जी. और मैं जो जानता हूँ कि सलमान जी बहुत आगे बढ़े, और फैंटास्टिक बोले तो बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने. थैंक यू सो मच. रेस
हेलो, मैं हूँ विनय शाक्य। रेस 3 का ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। कुछ मोमेंट्स तो ऐसे ऐसे लगता है हॉलीवुड मूवी का हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं। और जहाँ पर सलमान भाई आ जाते हैं, सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग और बॉक्स ऑफिस का सारा खेल है ना, तो जहाँ सलमान खान आ जाते हैं फिल्म सुपर डुपर हिट हो ही जाती है। स्टार या नसीब जिसको बोलते हैं, और तकरीबन 25 साल से वो काम कर रहा है, तो अच्छा लगा मुझे ट्रेलर। और लगता है कि ये फिल्म भी 200-300 करोड़ क्रॉस कर ही लेगी अगर कहानी अच्छी रही तो। हीरोइंस का तो क्या है यार, अभी फिल्म जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना। ट्रेलर में क्या रिवील होता है, हीरो, एक्शन, कहानी का छोटा सा पार्ट, वो रिवील होता है। तो हीरोइन के बारे में इतना ही बोल सकता हूँ कि ग्लैमरस है, आँखें जो है आँखें, वो आँखों को सुकून देती है। और अनिल कपूर, बॉबी देओल, इनका कुछ? अनिल कपूर को तो मानना पड़ेगा यार, अनिल कपूर इज़ इंस्पिरेशन फॉर एक्टर्स। इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिटनेस और जो उनका जज्बा है उसको सलाम है। और कैरेक्टर भी कुछ डिफरेंट लग रहा है उनका, ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, ट्विस्ट है। जैसे एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट नए इंसान को जन्म देना, तो टिपिकल अनिल कपूर को जो देखा है ऐसा लगता है इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। और किसका पूछा था आपने? बॉबी देओल ने बॉडी बड़ी कमाल की बनाई है, जैसे कि सनी पाजी हमेशा बोलते बॉबी कुछ कर, इस मूवी में वाकई लगता है कि सलमान खान का इन्फ्लुएंस उन पर आ गया है और उन्होंने कमाल करके दिखाया। बॉडी तो एक नंबर है, अब एक्टिंग कैसी की है वो जब हम फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज आशुतोष। एक्चुअली आई जस्ट सॉ द ट्रेलर, आई हैवंट सीन बिफोर। बॉबी इज़ अमेजिंग, हिज स्टाइल इज़ अमेजिंग। एक्चुअली आई एम फैन ऑफ हिज। एक्चुअली बहुत दिनों से वो कुछ काम नहीं कर रहा था, बट वो कभी तो आ रहा है तो मतलब हटके आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। बट आई थिंक इसकी जगह अगर मतलब ये होता शाह सलमान की जगह सैफ होता, तो सैफ का अलग ही स्टाइल है। अभी सलमान का स्टाइल वो दिख के आ रहा है, ये करना। मतलब अभी टाइगर जिंदा ही देखा था, तो मतलब इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट कैरेक्टर ओनली। तो अगर सलमान कुछ और करता थोड़ा और, वो उसकी सब स्टाइल सेम आ रही है। बट आफ्टर ऑल ट्रेलर इज अमेजिंग, आई लव द एक्शन सीन्स, दे आर हैविंग दैट बिग गन्स एंड द बिग मिसाइल्स, दैट इज अमेजिंग, आई लव इट, आई लव द कास्ट, दैट्स इट। सो डू यू थिंक इट विल चेंज द सिनेरियो ऑफ एक्शन इन बॉलीवुड? या आई थिंक सो, क्योंकि ये एक्शन मतलब ये हुई है एक्शन, इस लेवल के एक्शन मैंने फर्स्ट टाइम इस ट्रेलर में देख रहा हूँ, वैसे एक्शन मैंने पहले कभी देखी नहीं है बाय द वे। तो इट कैन चेंज, या इट कैन, यू कैन से इट इज चेंज। एंड आर यू अ सलमान फैन? लाइक वुड यू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, टेक योर फ्रेंड्स फॉर द मूवी? या ऑब्वियसली आई टेल देम, बिकॉज द एक्शन इज अमेजिंग। आफ्टर बॉबी इज देयर, इज डूइंग समथिंग डिफरेंट कैरेक्टर, दैट इज सो इंटरेस्टिंग। क्योंकि उसको बॉबी को एक ही लुक में देखा जाए उसको, एक्चुअली मतलब मेरे हिसाब से तो वो अच्छा एक्टर है, लेकिन उसको उतना चांस नहीं मिला है आज तक, लेकिन उसको अच्छा चांस मिल रहा है ये करने का, तो इट इज़ ऑब्वियसली गुड। या